हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं जैसलमेर से लोंगेवाला। जैसलमेर से लोंगेवाला 120 किलोमीटर्स हैं और हमने जो रूट लिया है वो है जैसलमेर से रामगढ़, रामगढ़ से लोंगेवाला। तो ये जो रामगढ़ है ये एक तरह से मिड पॉइंट है जैसलमेर टू लोंगेवाला के लिए। जैसलमेर से रामगढ़ 60 किलोमीटर्स पड़ता है और रामगढ़ से लोंगेवाला भी 60 किलोमीटर्स पड़ता है। तो जो रूट है जैसलमेर से रामगढ़ के लिए वो रोड हाईवे है। वहाँ आपको ढाबाज और पेट्रोल बंक्स मिलेंगे, बट अभी फ़िलहाल ये रूट अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस पर रोड का काम चल रहा है, तो इतना अच्छा नहीं है फ़िलहाल अभी, बट ओवर द टाइम ये वापस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप रामगढ़ पहुँचेंगे, रामगढ़ इज़ द लास्ट एक तरह से टाउन जहाँ आप पेट्रोल, खाना पीना कुछ भी कर सकते हैं। रामगढ़ के बाद जब आप लोंगेवाला के लिए निकलते हैं तो ये जो नेक्स्ट 60 किलोमीटर्स है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ एक रोड है जो डेजर्ट में निकली हुई है, यानी कि इस रोड के लेफ्ट एंड राइट आप देखिए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ एक डेजर्ट है। और ये रूट जो है रामगढ़ से लोंगेवाला का, ये बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल रोड है और इस रोड को BRO ने बनाया है। और सिर्फ इस रूट पे BSF के ट्रक्स दिखेंगे, नहीं तो टूरिस्ट व्हीकल्स, बाकी आपको कोई पेट्रोल बंक, ढाबा कुछ नहीं मिलेगा। जितना ये सीनिक दिन के टाइम रहता है उतना ही डरावना ये रात को हो जाता है। रात को डेफिनेटली क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और आप कहीं भी गाड़ी ऐसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ना तो कोई ढाबा है ना कोई पेट्रोल पंक है, तो अगर आप गाड़ी भी रोकते हैं तो दैट्स अ बिट रिस्की। दिन के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, रूट बहुत अच्छा है और बहुत सीनिक है, तो फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं लोंगेवाला, तो आप कुछ क्लिप्स देखिए लोंगेवाला की।
सो फ्रेंड्स, अभी हमने लॉन्जेवाला का वॉर म्यूज़ियम एक्सप्लोर करा और बहुत अच्छा है वॉर म्यूज़ियम. यहाँ की एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है और यहाँ 1970s के टाइम जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो एम्यूनिशंस यूज़ हुए थे, उसमें जो रॉकेट लॉन्चर्स, पिस्टल्स एक्सेट्रा, जो जो गन्स वेपनरीज यूज़ हुई थी वो सब रखी है और पूरी की पूरी स्टोरी बता रखी है वहाँ कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था. बहुत अच्छी जगह है फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू. एंड यहीं से एक रास्ता जाता है तनोट माता मंदिर के लिए. वो भी बहुत फेमस जगह है क्योंकि वहाँ पे जब पाकिस्तान वालों ने बॉम्ब शेलिंग्स करी थी तो वहाँ कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ था. सो इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है. हम अभी वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई है और हमें अभी जैसलमेर पहुँच के ये जो बाइक हमने रेंट पे ली थी ये देनी है. सो इसीलिए आप जब भी आते हैं, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस. मिलते हैं हम आपसे दूसरे व्लॉग में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.